दोस्तों बिया चोपड़ा की महाभारत तो आप सभी ने देखा ही होगा। बिया चोपड़ा की महाभारत में पंकज धीर ने कर्ण का रोल निभाया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंकज धीर ने किससे शादी की और उनके बच्चे क्या करते हैं, अर्थात उनका बेटा और बेटी कौन है और वो क्या करते हैं। दोस्तों महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर एक अभिनेता, फिल्म निर्देशक और एक लेखक भी है। उन्होंने कई प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम भी किया है। उनका जन्म मुंबई में फिल्म निर्देशक सीएल धीर के यहाँ हुआ था, यानी सीएल धीर पंकज धीर के पिता है। दोस्तों पंकज धीर बचपन में डायरेक्टर बनना चाहते थे, हालांकि उन्हें फिल्म सूखा में एक भूमिका मिली और वह एक अभिनेता बन गए। पंकज धीर ने महाकाव्य भारती टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाकर अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। दोस्तों पंकज धीर की कुछ लोकप्रिय फिल्में भी है, जैसे सौगंध, सनम बेवफा, सड़क बादशाह, मिस्टर बांड, इक्के पिक्का और अशांत। पंकज धीर ने कानून, चंद्रकांता, हरीशचंद, युग और ससुराल शिमिर का जैसे टीवी सीरियलों में भी काम किया है। इसके साथ ही पंकज धीर ने 2010 में महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक अकादमी की स्थापना भी की, जिसका नाम था अभिनय अकादमी। दोस्तों पंकज धीर ने अपने करियर में 40 से अधिक फिल्मों और टेलीविजन सीरीजों में काम किया है। दोस्तों पंकज धीर ने 19 अक्टूबर 1976 को अनीता धीर के साथ शादी के बंधन में बंधे और उनके एक पुत्र और एक पुत्री भी है। पुत्र का नाम निकितिन धीर है, जो की एक अभिनेता है। निकितिन धीर ने टेलीविजन अभिनेत्री कृतिका सेंगर से शादी की और पंकज धीर की बेटी का नाम निकिता शाह है। दोस्तों पंकज धीर एक हिंदू परिवार से है। उनके पिता सीएल धीर एक भारतीय फिल्म निर्देशक है। पंकज धीर का बेटा निकितिन धीर पापा की ही तरह फिल्म और टीवी सीरियल में नाम कमा रहे हैं। यही नहीं, अपनी कदकाठी लुक और एक्टिंग के दम पर विलन के रोल में हिट है। इसके साथ निकितिन धीर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान स्टारर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान से दो दो हाथ करते नजर आए थे। दोस्तों यहाँ हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस तरह की और भी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।